नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेले जा रहे आईपीएल 2023 के 38वें मुकाबले के लाइव स्कोर अपडेट में। जी हां दोस्तों, आज पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के अहम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज सामने हैं। दोस्तों दोनों टीमों ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और इन दोनों की प्ले ऑफ की दौड़ काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। दोस्तों लखनऊ की पिच बल्लेबाजी के लिए आदर्श नहीं है और शनिवार को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 136 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए हारने के बाद कप्तान राहुल का स्ट्राइक रेट चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों इस सत्र में पीएसए स्टेडियम पर अभी तक 200 रन नहीं बन सके हैं, लेकिन पिच लखनऊ की तुलना में बेहतर है। तेज गेंदबाज मार्क वुड की गैर मौजूदगी में लखनऊ का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हुआ है। वुड 15 अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेल सके हैं और टीम को उनकी जल्द वापसी की उम्मीद है। वुड 3 मैच नहीं खेलने के बावजूद उनके लिए सर्वाधिक विकेट टेकर रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर पंजाब किंग्स की बात करें तो पिछले 2 मैच हारने के बाद यह टीम वापसी करने की कोशिश में है। नियमित कप्तान शिखर धवन खंधे की चोट के कारण 3 मैच नहीं खेल सके थे, लेकिन इस मैच में वापसी कर रहे हैं। पंजाब ने अपनी गलतियों से कुछ मैच गवाए हैं, लेकिन अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। शीर्ष क्रम पर प्रभ सिमरन सिंह और मैथ्यू शॉट को टिक कर खेलना होगा, जबकि लियाम लिविंगस्टोन अभी तक अपनी लय में नहीं दिखे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इस मुकाबले को देखना चाहते हैं लाइव तो शाम 7:30 बजे से आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप अपने खुद के मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमा के माध्यम से आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग अपने खुद के मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों समय समय पर मैच से जुड़ी तमाम जानकारी, लाइव स्कोर अपडेट और हाइलाइट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईएफसी नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको तमाम जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों इस तरह की काम की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।